नमस्कार मित्रों, एसके एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 12वीं का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसका कमेंट आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेमी लंबी है, 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, हल दिया है कि घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। और यह सुई की लंबाई क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अर्थात वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। भाई यही ना घड़ी है, घड़ी बना लेते हैं, ये घड़ी का वृत्त हो गया हुआ। और पर एक मिनट वाली जो सुई है इसकी लंबाई, मान लीजिए घंटा वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यह 3:10 से 3:20 के समय दर्शाया गया है। इस घड़ी में 3:10 से 3:20 का समय दर्शाया गया है। ठीक है, और इस समय के अंतर्गत, इसी समय के अंतर्गत मैंने 3:10 से 3:20 के अंतराल में इस मिनट वाले सुई ने जो एंगल बनाया है, उसी एंगल का हम लोगों को क्या करना है, त्रिज्याखंड निकालना है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि ये मिनट की सुई जो है कहाँ पे होगी, 3:10 पे है, 3:10 पे, तो 3:10 का जो है फिगर बनाते हैं हम लोग, ये घड़ी है। और यहाँ मान लीजिए यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, इधर होता है 3 और इधर होता है 9, होता है ना, ये हो गया। और इसको बजा दीजिए घंटे, ये घंटे का सुई है और ये है मिनट का सुई, तो यहाँ मान लीजिए 5 और यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 20 होगा। तो ये जो है 3:10 पर, ये घड़ी जो है 3:10 पर यहाँ पर है, समझ लीजिए मिनट की सुई आज जो है 3:20 पर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आएगी तो एक त्रिज्याखंड बनाएगी इस समय अंतराल में। ठीक है ना, एक त्रिज्याखंड बनेगा ना ऐसे, इस मिनट वाले सुई से एक इस टाइप का त्रिज्याखंड बनेगा, तो हम लोग को इसका जो एंगल निकालना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। और कितना मान लीजिए 3:10 और 3:20 में कितना एंगल ये बनाएगा, 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये मिनट वाला सुई है तो एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा, और 60 मिनट में एक चक्कर का मतलब 360 घूम जाएगा। ठीक है, चूँकि मिनट वाली सुई देखेंगे, चूँकि मिनट की सुई 60 मिनट में
मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी, ठीक है, मैंने एक चक्कर पूरा करेगी यानी कि 360 डिग्री घूमेगी। एक चक्कर का मतलब, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, ठीक है। मिनट के सुई द्वारा एक चक्कर में चली गई डिग्री कितनी होगी, 360। हम लोगों को डिग्री ही निकालना है। मिनट की सुई द्वारा एक चक्कर में 360 घूमेगी ना, तो भाई किसी भी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है ना, तो एक चक्कर लगाएगी तो यानी कि 360 डिग्री कोण घूम जाएगी, तो 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, 360। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये मिनट वाला सुई, तो 360 अब हो गया, 60 कर देंगे तो हो जाएगा 6 डिग्री। ये जो कितना एंगल का कोण बना देगा, 6 डिग्री का, ठीक है। मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमेगी, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 10 मिनट में 6 × 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का जो है कोण बनाएगी। तो ये जो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 10 मिनट में 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब डिग्री निकल गया, ठीक है, तो डिग्री निकल गया। तो जब एंगल निकल गया तो हम लोग जो है अब इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्याखंड का तो सूत्र से, तो सूत्र से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पे है 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 7 × 7 पहले 7 स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, 7 स्क्वायर हो गया। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है 360 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 कर लेंगे। उसके बाद से 6 × 6 = 36 यानी कि 6 × 6 = 36 मैंने 60 × 360 और 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 22/7/6 यानी कि 22/7/6 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो 2 से काट सकते हैं, इसको जो है 2 से काट लीजिए, इसको जो है 2 से काट दीजिए, 2 × 22 = 6, ठीक है। तो 11 × 7 = 77 बटे 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 है, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 2 बचेगा यानी कि 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 लगभग में 25.67 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25.67 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि मैथ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, धन्यवाद।